नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जिन किसानों ने धान की नर्सरी निर्धारित समय से पहले लगा दी है, विभाग द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि करनाल में यमुना से सटे कुछ खेतों में कृषि विभाग को इस बाबत सूचना मिली कि कुछ किसानों ने समय से पहले ही धान की नर्सरी लगाई है। सूचना मिलते ही कार्यवाही को अमल में लाया गया और किसानों को नोटिस थमा दिए गए। अब यदि किसान 72 घंटे के भीतर नर्सरी के पौध को नष्ट नहीं करता है तो नष्ट करने का काम भी विभाग द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में धान की नर्सरी का समय 15 मई से शुरू होना है, जबकि रोपाई का समय 15 जून से है। इस निर्धारित समय से पहले यदि कोई किसान धान की नर्सरी और रोपाई का काम करता है तो वह असंवैधानिक माना जाता है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि करनाल जिले में है। कोरोना बीमारी के चलते खेतों में काम करने वाले मजदूर अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के बिना खेती कैसे होगी? फसल चक्र को तोड़कर किसान कैसे लाभ कमा सकते हैं? सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं तथा धान की खेती के पर्यावरण, खेत और जल स्तर पर कितना संकट है, यह सब आप इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप दबास से विशेष बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। दोस्तों, मैं हूं तरुण मुदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े हैं करनाल के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप सिंह डबास जी, और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जैसे आगामी दिनों में धान की खेती का काम शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में हम इनसे विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डबास साहब जी। धन्यवाद। मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि जैसे अब धान की खेती शुरू होनी है और ये मेरे ख्याल से 15 मई से स्टार्ट होनी है, और अगर कोई 15 मई से पहले करता है तो सर उसके लिए क्या कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बताना चाहूँगा कि धान की फसल का जो कार्य है वो 15 मई से नर्सरी का कार्य शुरू होना है कि नर्सरी 15 मई से लगा सकते हैं, और जहाँ तक धान रोपाई की बात है वो उस कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 15 जून निर्धारित किया गया है। 15 मई से पहले अगर जो कोई भी किसान किसी भी प्रकार की कोई नर्सरी लगाता है तो वो असंवैधानिक है, और इसी तरह 15 जून से पहले यदि कोई किसान धान की रोपाई करता है तो वो भी गैरकानूनी कार्य में आता है। इसके लिए हमने अभी पिछले 2-3 दिन में हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई कि कुछ गांव हैं, जमुना के आसपास के गांव हैं, नलवी खुर्द है, रंबा है, दरड़ है, इन गांवों में कुछ किसानों ने नर्सरी लगाई हुई थी। उन सभी किसानों को नोटिस इशू कर दिए गए हैं, या तो वो 3 दिन के अंदर उस नर्सरी को स्वयं नष्ट कर लेंगे, अन्यथा विभाग वहां जा करके उनकी नर्सरी को नष्ट करेगा और उस पर जो खर्चा होगा, जो लागत आएगी, वो उन्हीं को देनी पड़ेगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भूजल को बचाने के लिए 2009 में एक एक्ट बनाया गया कि भूजल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि भूजल की भी एक बहुत बड़ी गहन समस्या है। आप देखेंगे कि तकरीबन हर ब्लॉक में 25 से 30 मीटर जो है पानी का नीचे सतर जो है वो जा चुका है। इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की गई कि इस समय सीमा के अंतर्गत ही किसान इस तरह की खेती का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिशें आ जाती हैं और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका दोहन कम होता है। देखिए, जैसे डबास साहब ने हमें बताया कि धान की नर्सरी का समय 15 मई निर्धारित किया है और रोपाई का 15 जून, इससे इस समय अवधि से पहले जो भी नर्सरी का काम करेगा या रोपाई का काम करेगा वो असंवैधानिक है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि किस तरह से शिकायत मिलने के बाद इन्होंने यमुना के सटे कुछ गाँवों में किसानों को नोटिस भेजा है, अगर वो 3 दिन के अंदर अपनी नर्सरी को नष्ट नहीं करते तो ये स्वयं इनके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जाकर उस नर्सरी को नष्ट करेंगे। मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सर जिस तरह से आपको कि धान की खेती में मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है और मौजूदा समय में लॉकडाउन की अवधि में मजदूर जो है प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में सर सरकार या फिर जो किसानों के सामने क्या समस्या पैदा हो सकती है? देखिए, जहाँ तक धान की रोपाई का कार्य है वो प्रवासी भारतीयों द्वारा ही किया जाता रहा है, और पूरे हरियाणा के अंदर 1,70,000 हेक्टेयर एरिया सबसे अधिक एरिया करनाल जिले के अंदर है।
इसमें बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो धान की सीधी बिजाई करते आए हैं, जिसमें लेबर की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें पानी का 25-30% पानी का बचत भी होती है। ऐसे किसानों को सरकार प्रति वर्ष 5,000 रुपये अनुदान भी देती है जो धान की सीधी बिजाई करते हैं। तो मेरा सभी किसानों से ये आह्वान रहेगा कि जिन्होंने धान की सीधी बिजाई करनी है वो इसका कार्य है, धान की सीधी बिजाई का कार्य है, 1 जून से स्टार्ट कर सकते हैं मशीन के द्वारा, इसमें पौध की रोपाई नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हमारी लेबर की समस्या है वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक बहुत अच्छी स्कीम जो है जल ही जीवन को लेकर के लॉन्च की है, उसमें आह्वान किया गया है कि जिन ब्लॉक्स के अंदर 35 से 40 मीटर पानी नीचे गया, वो सतर नीचे गया हुआ है, वो किसान धान की फसल को छोड़ करके मक्के पे आएँ, दूसरी हरहर की फसलें हैं, दूसरी को दलहनी फसलें बाजरा हैं उन पे आएँ, इनके लिए सरकार ने 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का भी उसमें उल्लेख किया हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का पानी बचाया जा सके। जैसा कि सर्वविदित है कि कोई भी किसान जब इस तरह की खेती करता है तो वो कहता है कि जी मैं इस तरह की खेती करने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसी दूसरी क्रॉप के अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से विभाग भी और सरकार भी इस बात के लिए पूर्णतः प्रयासरत रही है कि किसी तरह फसल चक्कर को बदला जाए, और उसके लिए करनाल के लिए जो उपयुक्त फसल है वो मक्की की फसल है। और मैं थोड़ा इसमें आपको बता दूं कि मक्की की फसल में और धान की फसल में जो खर्चे का अंतर है वो तकरीबन 15,000 रुपये धान से कम लागत आती है, 15,000 से 20,000 रुपये धान से कम लागत मक्की की फसल में आती है। उसमें 10-12,000 रुपये खर्चा, उसमें 25,000 से 30,000 रुपये खर्चा होता है। इसी प्रकार सबसे बड़ी बचत पानी की बचत है, क्योंकि कई किसान सोचते हैं कि हम चावल बेच रहे हैं, जीरी बेच रहे हैं, नहीं, वो जीरी और चावल नहीं बेच रहे हैं, वो अपने आने वाली पुश्तों का पानी बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत पानी की रिक्वायरमेंट है, 3,000 से 4,000 लीटर पानी लगता है। तो इसलिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये आह्वान किया है कि आप इस तरह की फसल को छोड़ करके और दूसरी फसलों पर आए, उसकी एक एक दाने की प्रोक्योरमेंट भी होगी और समय पर खरीदा जाएगा और समय पर उनकी पेमेंटें होंगी। ठीक है, डबास साहब ने हमें ये बताया कि अगर कोई किसान धान की सीधी बिजाई करता है, इसमें एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा उसको लेबर की आवश्यकता नहीं होगी, तीसरा उसको सरकार की तरफ से अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई किसान फसल चक्र को तोड़ता है, यानी कि धान के अलावा दूसरी फसलें जैसे कि मक्का और दलहनी फसलें लगाता है, तो उसका एक एक दाना भी खरीदा जाएगा और इसके अलावा उससे 7,000 रुपया सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इन्होंने यह भी वायदा किया कि उस फसल चक्र को कोई किसान तोड़ता तो उसकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बताई कि यदि कोई किसान ये सोचता है कि मैं धान लगाने के बाद चावल बेच रहा हूँ तो चावल नहीं बेच रहा, जबकि वो अपनी आगामी पीढ़ी के लिए जल को बेच रहा है, क्योंकि पानी का स्तर दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। मैं इनसे एक और बात जानने का प्रयास करूँगा, सर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसा है या कृषि यंत्रों पर, खाद पे, बीज पे कोई सब्सिडी का प्रावधान? जी, जैसे मैंने बताया कि जो धान की फसल को छोड़ के अन्य फसलें बिजाई करेंगे उनको 7,000 रुपये पर एकड़ की अभी घोषणा की गई है। इसी प्रकार जो दूसरी हमारी फसलें बाजरा है, बाजरे का रेट आप देखें तो 1,950 रुपये बाजरे का रेट है, तो ये बहुत ही सर्वाधिक रेट है। तो इस तरीके से खाद है, जो खाद पे भी 75% सब्सिडी है। आप देखेंगे यूरिया का कितना प्रयोग करते हैं किसान, अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की हमेशा बात होती है कि आप बैलेंस्ड यूज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं और फसलों से ज़्यादा लागत हमारे धान की फसल में आती है, उससे वातावरण भी प्रभावित होता है, हमारा भूजल ही नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो धान के कारण उत्पन्न हो रही हैं, बीमारियाँ लगा लें आप, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को आर्थिक नुकसान के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान जैसे मैंने पहले बताया, और बहुत सारे जो हमारे मित्र कीट होते हैं खेत के अंदर उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक ही फसल 25-30 साल से चक्कर चलता आ रहा है, उस फसल चक्कर को तोड़ने के लिए अब आवश्यकता है, ताकि हमारी जो उर्वरकता शक्ति वो भी बढ़ाई जा सके और इस फसल चक्कर से हम तोड़ के उससे जो उत्पादन होगा उत्पादन भी हमारा ज़्यादा होगा और इस पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में और जो लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है उस पर भी हम इसमें कामयाबी पा सकेंगे।
देखिए, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से धान की खेती करने से ना केवल आर्थिक नुकसान किसानों को सहना पड़ता बल्कि पर्यावरण का नुकसान भी है, खेतों की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसलिए अवश्य किसान इस फसल चक्र को तोड़कर दूसरी फसलों की तरफ आएं क्योंकि उन फसलों में लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है। मैं इनसे एक और बात पर सर, ये पटे वाली ज़मीन का इशू था पीछे, फिर पटे वाली ज़मीन का, इस पर देखिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन ब्लॉक्स के अंदर पंचायती ज़मीन है जिसको पट्टे पर दिया जाता है, सबसे पहले फसल चक्कर का जो बदलने की बात है, धान को छोड़ने की बात है, सरकार अपनी ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर इसको लेके आएगी। जैसे कि कहा भी गया है कि किसान सुनने पर नहीं देखने पर विश्वास करता है, तो सरकार ने एक तरीका अपनाया है कि पहले जो पंचायती ज़मीन है उन सभी पंचायती ज़मीन पर जहाँ पे 40 मीटर से नीचे पानी गया हुआ है, उन ब्लॉक्स के अंदर पंचायती ज़मीन पे धान ना उगाया जाए, वहाँ पे मक्की, बाजरा या दूसरी दलहनी फसलें उगाई जाएं, ताकि उनको देखकर गांव के दूसरे लोग, आसपास के लोग उसको देख पाएं और विश्वास कर पाएं कि हम अगर जो धान की फसल छोड़ते हैं तो जिस तरह से इस पंचायती ज़मीन पे एक अच्छी फसल लहरा रही है और अच्छा इनको एक भाव मिलेगा, उसको देख करके लोग प्रोत्साहित हों और लोग आगे आएं। देखिए सर, इनका ये कहना है कि जो पंचायती ज़मीनें पट्टे पर दी गई हैं, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वहाँ पर धान की फसल ना लगाई जाए, वहाँ पर दूसरी फसलें लगाई जैसे बाजरा और मक्का या दलहनी फसलें, ताकि उन्हें देखकर उन जो फसलों के मुआवजे को देखकर बाकी किसान भी प्रोत्साहित हों और वो भी उस फसल चक्र को तोड़कर दूसरी फसलों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि धान से जिस तरह से भूजल का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, वह आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा, खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, जो मित्र कीट हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसके अलावा जो किसान भाई यूरिया का, खाद का जरूरत से ज़्यादा, वो उनके मन में यह रहता है कि जितना ज़्यादा खाद डालेंगे, जितने ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो फसल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, जबकि ऐसे कुछ नहीं है। इन्होंने हमें विस्तार से सारी चीज़ें बताई। सर, सबसे अब आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगा, आप सरकार से, किसानों से, जनता से कोरोना के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस वैश्विक बीमारी से बचने के लिए अभी किसानों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, मंडियों में गेहूं लेके आई, उन्होंने जो सरकार के दिशा निर्देश थे विभाग ने उनका सबका पालन किया है। मैं किसानों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वैश्विक बीमारी से बचने के लिए वो सब ये मान कर के चलें कि हमें कम से कम लोगों में आपस में दूरी बना के रखनी है, जो भी कार्य जो लेबर से भी करवाना पड़ता है तो लेबर को भी उसकी सफाई का और उसके आसपास जो दूसरे व्यक्ति मिलने आते हैं उनसे दूर रहने के लिए उनको प्रयत्न करना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये उदाहरण पेश किया है कि अभी मंडियों में गेहूं हुआ है, इतनी आवक आई है, मौसम ख़राब होने के बावजूद भी आई है और कोई भी संक्रमित केस हमारा इस दौरान नहीं मिला है, तो इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगली फसल का जो बिजाई का कार्य है वो शुरू होने वाला है, तो इसमें भी वो कहीं बीज लेने के लिए जा रहे हैं, खाद लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार की जल्दी में ना रहें, क्योंकि सरकार ने पूर्ण भंडारण किया हुआ है, हर ज़िले में पूर्ण भंडारण है, हर चीज़ उनके लिए उपलब्ध है और समय भी उनका सुबह 9 से 5 बजे तक दुकानों का किया गया है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो निजी दुकानदार हैं या दूसरे हुए हैं, सभी को पास अवेलेबिलिटी है, तो इसी किसी प्रकार के इसमें कि हमें बीज की ज़्यादा बीज में हमें बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, सब तरह का भंडारण का सरकार ने सुनिश्चित किया हुआ है। सिर्फ उनको अपना एक जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बना के रखनी है और अपने आप को संक्रमित होने से बचना है, यही मेरा उनके लिए किसानों से संदेश है। ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर दबास डबास, इन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से पिछली फसल में किसानों ने सहयोग किया है, आगामी फसल में भी किसान उसी तरह से सहयोग करें, किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह से 9 बजे तक 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्हें जो भी सामान चाहिए उसका हर जिले के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश की करनाली ने पूरे हरियाणा प्रदेश में उचित भंडारण, संपूर्ण भंडारण, जल्दबाजी ना करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग अवश्य करें, अगर बाजार में जाते हैं तब भी उचित दूरी बनाए रखें ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में ना आए। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।